एग्जाम्पल नंबर थ्री है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। दो इंटीग्रल्स लिए ए और बी। पहला इंटीग्रल से है इंटीग्रेशन वन से टू ब्रेकेट वन अपॉन टी माइनस आई का होल स्क्वायर डी टी, और दूसरा है वी जीरो से पाई बाई फोर ई की पावर आई टू टी और ये डी टी। तो वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो जो ए वाला है इंटीग्रेशन जी वन से टू और ये ब्रेकेट वन माइनस वन अपॉन टी माइनस आई का होल स्क्वायर और ये डी टी। तो ऐसे मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन वन से टू वन अपॉन टी माइनस आई का होल स्क्वायर और ये डी टी। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोल देंगे। तो ये वन से टू तो एक अपॉन टी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस का टू आई अपॉन टी और ये डी टी। तो देखिए ये क्या है, ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो माइनस वन हो जाएगी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन से टू तो ये हो जाएगा एक अपॉन टी स्क्वायर माइनस का वन और ये माइनस का टू आई अपॉन टी और ये डी टी। तो देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट, तो अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन वन से टू एक अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी माइनस इंटीग्रेशन वन से टू टू आई अपॉन टी और ये डी टी। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं आई बराबर, तो इसको अलग लिख लेते हैं वन से टू एक अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन वन से टू ये वन डी टी माइनस का आई इंटीग्रेशन वन से टू एक अपॉन टी टू अपॉन टी और ये डी टी। तो आई बराबर तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन और ये लिमिट वन से टू माइनस, तो ये हो जाएगा टी लिमिट वन से टू, ये माइनस का टू आई ये हो जाएगा लॉग टी और लिमिट वन से टू। तो देखिए आई बराबर तो ये आ जाएगा माइनस एक अपॉन टी और ये लिमिट वन से टू, माइनस यहाँ लिमिट रख देंगे टू माइनस वन, यहाँ माइनस टू आई और यहाँ रख देंगे लॉग टू माइनस का लॉग वन। तो ये आई बराबर तो यहाँ रखेंगे लिमिट माइनस एक अपॉन टू प्लस का वन बाई वन, ये आ जाएगा माइनस का वन, ये माइनस का टू आई हो जाएगा लॉग टू अपॉन वन बराबर। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो ये इसको इस तरह की वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन माइनस का टू आई लॉग टू। तो आई बराबर आएगा माइनस का वन बाई टू प्लस वन माइनस वन माइनस का टू आई और ये लॉग टू। तो आई बराबर तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का वन बाई टू माइनस का आई और ये पावर पर चला जाएगा, ये लॉग टू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाई टू माइनस का आई और ये लॉग फोर। तो यहाँ पर एल एन फोर भी हो सकता है। तो आई बराबर माइनस वन बाई टू माइनस आई लॉग फोर, ये है आंसर। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो है इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर और ई की पावर आई टू टी और ये डी टी। तो मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर और ई की पावर आई टू टी और ये डी टी। इसे रियल और इमेजिनरी इंटीग्रल में ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, ई की पावर आई टू टी को लिख लेंगे, ये कॉस टू टी प्लस आई साइन टू टी। तो जीरो से पाई बाई फोर ये कॉस टू टी प्लस आई साइन टू टी और ये डी टी। क्योंकि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट लगाते हैं फिर भी उसे जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए ये आई बराबर
इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर ये कॉस टू टी और ये डी टी प्लस आई, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई फोर और ये साइन टू टी और ये डी टी। देखिए ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया और क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। इससे क्या हो जाएगा, वो आसानी से लग जाता है। तो आई बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन टू टी अपॉन दो और ये लिमिट जीरो से पाई बाई फोर प्लस का आई और ये माइनस का कॉस टू टी वाई टू और ये इंटीग्रेशन अरे लिमिट जीरो से पाई बाई फोर। तो ये आई बराबर लिमिट रख देते हैं साइन टू इंटू पाई बाई फोर वटे दो माइनस साइन टू इंटू जीरो वाई टू प्लस आई माइनस कॉस टू इंटू पाई बाई फोर अपॉन टू प्लस कॉस टू इंटू जीरो अपॉन टू। तो ये आई बराबर आएगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा तो ये वन बाई टू माइनस जीरो प्लस आई, ये हो जाएगा जीरो प्लस वन बाई टू। तो ये आ जाएगा आई बराबर वन बाई टू प्लस आई वाई रूट टू, आई बाई टू आ गया सॉरी। तो ये आ जाएगा वन प्लस आई अपॉन टू, ये होगा आंसर। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।